सैकड़ों की संख्या में आज गड़ीनलहरा के विद्युत विभाग में पहुंचकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने गड़ीनलहरा के बिजली विभाग के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। आज गड़ी में लगा के विद्युत विभाग के बाहर लगभग 10 ग्रामों के सैकड़ों किसानों ने अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर विद्युत विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांग की है कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों को समय पर बिजली दी जाए, एक नियम बनाकर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाए जिससे किसानों की बुवाई प्रभावित ना हो और किसान समय पर अपनी फसलों को पानी दे सके। एक ग्रामीण शैलेंद्र पटेल ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा किसानों को समय पर बिजली नहीं दी जा रही है। विद्युत विभाग के द्वारा अघोषित बिजली कटौती से किसान काफी परेशान है। बिजली समय पर ना मिल पाने के कारण किसानों की फसल भी प्रभावित हो रही है। किसान समय पर अपनी फसलों को पानी नहीं दे पा रहा है। आज लगभग 10 ग्रामों के सैकड़ों किसानों ने विद्युत विभाग पहुंचकर विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मांग की है कि किसानों को समय पर बिजली दी जाए, अघोषित बिजली कटौती ना की जाए जिससे किसानों के कार्य प्रभावित ना हो। पटेल है, यहाँ पे आप आज पावर हाउस आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं? ये है कि यहाँ आवेदन देने आए हैं कि यहाँ नियमित कटौती नियम से नहीं हो रही है, मतलब कटौती का उल्लंघन हो रहा है और इस आधार पे सब लोग आए हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो रात में कटौती होती है वो 4-5 बार लाइट जाती है, 1-2 घंटे कटौती करते हैं, 10 बार भी हो जाती कटौती, और दिन में भी कोई नियम नहीं है। अब दिन में यदि कोई सोचता है कि इतनी सर्दी ठंड पड़ रही है तो दिन में भी लाइट मिले तो दिन में भी नहीं मिलती, रात में मिलती है। बेचारे किसान जाते हैं और ठंड में ठटोर के 1-2 घंटे आग भी तापते हैं कि चलो अब आ जाए आशा लगाएं, तो लाइट बिल्कुल नहीं आती। अनियमित अनियमित बिजली कटौती है। हाँ, अनियमित बिजली कटौती है। और यहाँ जो पावर यहाँ से जो ये लगा है ना चक्की मिलाटा, और यहाँ से भी कटौती होती है। यहाँ से हमने कई बार देखा कि यहाँ जो चालू है और उसके आगे लाइट नहीं जाती है। यहाँ सब लोग परेशान, 4-5 गांव हैं वहाँ सब लोग हमारे। कितने गांव के किसान आज यहाँ आए हैं, क्या आपकी मांग है? नुना ग्राम पंचायत नुना से आए हुए हैं, बारदवा से आए हुए हैं, गुड़सारी से मान के चलो 8-10 गांव में जुड़े हुए हैं इस सर्किट से। 8-10 गांव से आए हुए हैं। लगभग कितनी संख्या में किसान यहाँ आए हुए हैं और क्या मांगे हैं? लगभग मान के चलो 300-400 में आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? यही मांग है हमारी, एक नियम हो जाए यहाँ पे, जो नियम है, चाहे मुझे 4 घंटा लाइट मिले, वो दिन में मिले या रात में मिले। टाइम फिक्स चाहते हैं आप लोग? फिक्स चाहते हैं या तो 11 से 5 दिन में, क्योंकि 12 बजे रात के 8 बजे से मान के चलो 4 बजे। अभी कौन कौन यहाँ पर आया है, किसने आपकी बात सुनी है, क्या आश्वासन मिला है? अभी वासी साहब आए हुए हैं, हमने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि श्रीमान ऐसा कर दें कि ताकि किसान मतलब ठंड से ठटोरता हुआ, मतलब थोड़ा टाइम निकाल के दिन में चलाए पंप, राहत पा सके, राहत पा सके। हाँ, के विद्युत ऑफिस आए थे, क्या समस्या थी उनकी और किस प्रकार से समाधान हुआ है? एक्चुअली जैसे आपको मालूम है कि जो खेती वाली लाइट है वो ऊपर से सरकार द्वारा बोली गई है कि 10 घंटे 24 घंटे में दी जाएगी। जो 2 फेस वाला है घरेलू लाइट, वो 6 घंटे देने का प्रावधान है और बाकी समय में 2 फेस या 1 फेस देने का 12 घंटे का है, 2 फेस देने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि कुछ प्राइवेट लोग अपने आप ये भी स्विच उतार दिया करते थे। एक गांव के बाहर यहाँ ये भी स्विच लगा था, सबसे बड़ी समस्या वहाँ से थी, कुछ लोग ये भी स्विच उतारते थे। इसके कारण मैं अभी UIC से कह करके एक तो यहाँ पर टाइम शेड्यूल बनाया है कि किस किस समय 3 फेस की किसानों के लिए लाइट होगी 10 घंटा के लिए, और 10 घंटा में अगर बीच में किसी कारणवश लाइट कटती है तो वापिस वो कवर करेंगे उसको और 3 फेस का लाइट प्रोवाइड करेंगे। अगर AB स्विच की जो बात है जहां पर लोग उतार देते हैं गांव के बाहर, तो वो AB स्विच हट करके सारा कंट्रोल यहीं पे बनेगा पावर हाउस, ऐसा लेकर के ये समस्या थी।